Assalamualaikum, मैं हूँ वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, जहाँ पे हम लेके आते हैं आपके लिए मज़ेदार सी रिवायतों से भरी रेसिपीज। ये हर घर का मसला है कि आज दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए या आज डिनर में क्या बनाया जाए। बेचारी घर की जो खवातीन हैं वो परेशान हो जाती हैं और पूछ पूछ के, और असल बात ये है कोई बताता भी नहीं है कि भाई आज ये बना लो, कोई हेल्प आउट नहीं करता, कहते हैं कुछ भी बना लो। और फिर जब कुछ भी बना लिया जाता है सबसे पहले जो है वो मुंह बन जाता है, या सब्ज़ी क्यों बना ली या दाल क्यों बना ली। तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हाँ, अपने शो पे ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज लेके आते हैं जो कि यूनिक और डिफरेंट होती हैं और लज्जत से भरपूर होती हैं, ताकि आप ईजिली अपने मेन्यू में जो है वो उसको इंक्लूड कर सकें और फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकें और दाद ले सकें। इसीलिए आज भी हमने जो है हम मुगलाई के ऊपर स्पेशली शो कर रहे हैं, क्योंकि मुगलाई खाने जो हैं तमाम घरों में खाए जाते हैं और हर कोई इसको पसंद भी करता है। इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है हमारी कुकिंग एक्सपर्ट शफक शुजा जी को, जो कि हम बनाएंगी मुगलाई खाने। तो आइए बुलाते हैं मिसेस शफक शुजा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आप बना रही हैं मुगलाई खाने, जिसमें आप बना रही हैं आज मुगलाई कोरमा बिल्कुल और शाहजहानी खीर। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका खुद का बैकग्राउंड, ताल्लुक कहाँ से है? हम लोग भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली की खानों की में सबसे पहले खुशबू और उनके जायके, उनके जायके आपको पता है, एग्जैक्टली इन दोनों चीज़ों की बहुत हमारे यहाँ अहमियत दी जाती है। और ये सिर्फ मुग़ल दौर के खाने जो हैं वो मशहूर ही मुगलाई इसलिए हैं क्योंकि वो बादशाहों के दौर से वो जिस तरह से प्रॉपर एहतमाम के साथ बनाए जाते थे, और जो नट्स और काजू और बादाम का पेस्ट, एग्जैक्टली, और प्रॉपर हर चीज़ और हेल्दी बहुत ज़्यादा कहते थे कि होते हैं। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ साथ बातें तो चलती रहेंगी हमारी। हाँ, तो हम दोनों डिशेस को अपने साथ ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध को, जो कि हम शाहजहानी खीर के लिए सबसे पहले 1 लीटर हमने ये दूध लिया है, और ये हम दूध बॉईल करेंगे। जितनी देर में हमारा ये दूध बॉईल होगा उतनी देर में हम जो है वो साथ ही हम मुगलाई कोरमे के लिए हम ऑयल लेंगे। 1/2 कप ऑयल लेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, इसको शाहजहानी खीर क्यों कहा जाता है? लाइक कुछ अलग तरीके से ये बनती है? जी हाँ, ऐसा इंग्रेडिएंट यूज होता है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें शाहजहानी खीर में डिफरेंट इसलिए है कि इसके अंदर हम बादाम का पेस्ट भी ऐड कर रहे हैं और चावलों के साथ, और हम इसके अंदर खोया, इलायची और काजू का पेस्ट, इन सब चीज़ों की वजह से शाही लुक आता है और खाने में फ्लेवर भी आता है। अच्छा जी, तो यानी कि आपको अगर चाहिए कि बादशाहों वाली फीलिंग और मुगलिया दौर की फीलिंग, तो आप जो है वो बना सकते हैं शाहजहानी की। सबसे पहले हम इस ऑयल के अंदर 4 हमने छोटी इलायची ली है, और हमने 6 लौंगे ली हैं, 2 हमने बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी और 1 तेज़पात का पत्ता, और 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा, ये हम डाल रहे हैं, और थोड़ा सा हम इसको सौते कर लेंगे। राइट राइट, हम इसके अंदर हल्का सा इसको सौते किया हमने, ये लीजिए। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छा ये आपने चिकन की क्वांटिटी क्या बताई, कितने किलो की चिकन बना रहे जी, हैं हम? हम 1 kg हमने चिकन ली है। अच्छा जी, अच्छा जी, आपने हड्डी वाली बोन्स के साथ जी हड्डी वाली चिकन ली है 1 किलो। ये जितना भी रेशो आपको मसाले का बताया जा रहा है ये उसके हिसाब से बताया जा रहा है, 1 किलो चिकन के हिसाब से। राइट, हमने 1 किलो चिकन के लिए सबसे पहले हमने खड़ा गर्म मसाला डाला 1 कप ऑयल में, और उसके साथ हमने गरम मसाले को जैसे ही हल्का सा उसमें अरोमा आने तो फिर हमने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर रहे हैं, और ये हमने 1 kg चिकन इसके अंदर ऐड कर ली। अच्छा, ये मुगलाई कोरमा जो बनता है, अच्छा ये भी आप इसमें कुछ अलग से चीज़ें जाएंगी, जैसे कि नॉर्मल जो कहते हैं कि जो शादी वाला कोरमा होता है या देश का कोरमा होता है, ये भी उनसे बिल्कुल हटके होगा एक? जी हाँ, बिल्कुल। जैसी आपने एक शाहजहानी खीर की चीज़ें बताई हैं रेसिपी, उस तरह से मुगलाई कोरमे भी कुछ डिफरेंट ही होगा? जी हाँ बिल्कुल वर्दा, इसके अंदर जो है हम 3 चीज़ों का पेस्ट डाल रहे हैं, जो कि पिसा हुआ खोपरा है,
और हमने 2 टेबल स्पून उसमें पिसा हुआ खोपरा लिया है और हमने उसमें 2 टेबल स्पून जो है हमने काजू का पेस्ट लिया है और हमने बादाम का पेस्ट लिया। हमने इन तीनों चीज़ों को तकरीबन मैंने काजू लिए थे 8 अदद मैंने काजू लिए थे और 8 ही अदद मैंने बादाम लिए थे जो कि छिले हुए थे और हमने उनको छील के फिर हमने पेस्ट अच्छा बॉईल किया था जी बॉईल करके पेस्ट पहले मैंने उनको भिगो दिया था फिर उनको मैंने छीला था और फिर छीलने के बाद मैंने उनका पेस्ट बना लिया तो उसके बाद भी हम जो है हमने एक और चीज़ इसके ख़ास इन्ग्रीडियंट्स जब ये रेडी हो जाएगी बिल्कुल हमारा कोरमा तो हम उसके अंदर खुशबू के लिए मैंने 6 इलायची और 4 लौंग और स्टिक एक जावित्री की अच्छा। और बिल्कुल ही हाफ जो है मैंने जायफल का टुकड़ा उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया और मैंने उसका जो है ये एक पाउडर बनाया है और इस पाउडर का हम बिल्कुल ही पिंच जिसे कहते हैं वो डालेंगे हाँ तकरीबन 1/4 टीस्पून ओके 1/4 टीस्पून जो है वो हम ऐड करेंगे वो भी बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट है ये हमारा उससे बहुत अच्छी सी खुशबू एक महक आ जाएगी जबरदस्त वरदा मैं व्यूअर्स को बताऊंगी कि अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक सॉल्ट ऐड कर रहे उसके साथ ही हम ये हमने 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पिसी हुई ली है अच्छा लाल मिर्च डाल दी आपने अच्छा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है एक और मिर्च रखी हुई है तो ये 2 अलग अलग हैं लाइक कश्मीरी मिर्च इस तरह से कुछ जी, मिर्च बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च है पिसी हुई जो कि हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रहे हैं यानी कि बहुत चटपटा सा बनेगा नहीं कि 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर या नॉर्मल और फिर 1 टेबल स्पून आपने देगी मिर्च बिल्कुल और अब मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर 1/4 गरम मसाला पाउडर लिया है ये देखें नाज़रीन हमने और इसके अंदर ये पिसा हुआ धनिया और ये है 2 चाय के चमचे ले लीजिए या आप 1 टेबल स्पून ले लीजिए सही अब हम इसको मिक्स करेंगे मसाले की थोड़ी सी भुनाई करनी जी बिल्कुल हल्के से हमने इसको मसाले को आप देखें अभी वर्दा के इसके अंदर कितना प्यारा कलर आ गया है कलर भी आ गया और खुशबू आना शुरू हो गई है जो भुनाई के वक्त जो खुशबू आती है ना वो भी बहुत अच्छी अब हम इसके अंदर ये फिटा हुआ हमारा दही है 1 कप जो कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मैं अपने व्यूअर्स को ये बात कहूँगी कि जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं या हम किसी की रेसिपी को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी बाज़ात हमारे व्यूवर्स को शिकायत होती है कि हमारा वो टेस्ट नहीं आता सेम टेस्ट या टेस्ट नहीं है तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां हमारे व्यूवर्स कर जाते हैं जिसमें ऐसी गलती के जैसे कि दही को हम बग़ैर फेटे डाल दें तो भी उससे हमारा खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आता दही और लम्स भी पड़ जाते हैं जी बिल्कुल अब ये हमने दही इसके अंदर ऐड कर दिया है इसको हमने हल्का सा भूनना है और उसके साथ ही हम यहाँ पर ये चावल ऐड कर रहे हैं अपने खीर के अंदर दूध में बॉईल आ चुका है और अब आप इसमें चावल कितने ऐड चावल क्वांटिटी लिए हैं आपने जी मैंने इसमें चावल के 1 कप हमने चावल बॉईल किए हुए लिए हैं जो कि मैंने आधा कप पहले पानी में भिगोए थे और फिर उसको हमने पानी में बॉईल किया था अच्छा। तो वो 1 कप बन गए थे आधे कप कच्चे चावल अच्छा आधा कप कच्चे चावल ही थे उसको आपने ग्राइंड नहीं किया कुछ भी नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया ऐसे ही साबुत आपने बॉईल करके चावल डाल जी जी असल में वर्दा जब हम कोई दावत कर रहे होते हैं और हम उसमें इस तरह की डिशेस रखते हैं तो हमें चाहे बहुत सारी डिशें बनानी होती हैं तो अगर हम इस तरह की चीज़ें जल्दी अगर हमें बनानी है तो हम अभी आप देखेंगे कितनी जल्दी मैं आपको खीर बना के दिखाऊंगी अच्छा। तो उसकी वजह यह है कि हम अगर कच्चे चावल इसमें अभी ऐड कर देते तो ये खीर हमारी काफ़ी टाइम पकने में टाइम जी मगर चूंकि मैंने पहले ही बॉईल किए हुए चावल हैं और भीगे हुए भी थे ओवरनाइट तो उसकी वजह से ये चावल जल्दी ही हमारी खीर को तैयार कर देंगे अच्छा ओवरनाइट आपने चावल जो है भिगो के रखे हुए अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड करने वाली हूँ सही अभी जब तक हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे क्योंकि हम अभी ब्रेक पे जाएंगे फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बताएंगे कंटिन्यू करेंगे जब तक ठीक है जी जी जनाब जब तक चिकन की चल रही है भुनाई और खीर भी जो है वो बन रही है आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में आज हमारे साथ हैं मिसेस शुजा, जो कि बना रही हैं मज़ेदार से मुगलई खाने, जो कि बहुत रिच इन फ्लेवर हैं और बहुत अच्छा सा एक अरोमा जो है पूरे स्टूडियो में आ रहा है इस वक्त. और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो है वो चिकन को भुनने के लिए रख दिया था, और हमने दूध में चावल ऐड कर दिए थे जो कि हम शाहजहानी खीर बना रहे हैं. अच्छा, मुझे आप एक बात बताइएगा, इसमें आपने बॉयल करके चावल ऐड करे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, चावलों की गुठलियाँ सी नहीं बनेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें कहीं भी लम्स बिल्कुल भी कहीं नहीं बने हैं, बल्कि ये हमारी खीर हाफ डन हो चुकी है. अच्छा. और अब हम इसके अंदर ये पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल रहे हैं जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है, और इसके साथ ही हम ऐड कर रहे हैं बादाम का पेस्ट. बादाम का, ये कितने बादाम लिए हैं आपने? ये मैंने 8 अदद बादाम लिए थे. अच्छा. और उनको पहले मैंने बॉईल किया, पहले भिगोया, फिर उनको जब वो भीग गए अच्छी तरह, फिर उनको मैंने बॉईल किया, और उसके बाद उनको पील ऑफ करके आपने पेस्ट बना लिया. सही. तो ये शाहजहानी खीर जो है ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बादाम का पेस्ट डाला है, और इसमें क्या डलेगा? इसमें मिल्क पाउडर भी डलेगा. अच्छा, मिल्क पाउडर भी जाएगा इसमें. जी. और अब मैं 1 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ, और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ. और चिकन की तरफ देखते हैं, चिकन के क्या हालात हैं, कहाँ तक पहुँची है. अब हम चिकन की तरफ आते हैं. अब हम चिकन के अंदर वाह, अच्छा कलर कितना खूबसूरत आया इसका. तो देखिए, आपने अगर मिर्च का सही इस्तेमाल किया है, लाइक अगर आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, देगी मिर्च आपने वही. जी, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था, प्लस रेड चिली पाउडर भी डाला था, तो उसकी वजह से कलर कितना खूबसूरत आया है रोगन का, ना एक बहुत अच्छा कलर लग रहा है. अब हम इसके अंदर 1 कप पिसी हुई प्याज ऐड कर रहे हैं, पिसी हुई लाल प्याज, तली हुई प्याज, ब्राउन प्याज. जी बिल्कुल ठीक है. 1 कप ब्राउन प्याज आपने उसमें ऐड कर दी. इसको हमने इस मिक्सचर के साथ, ग्रेवी के साथ मिक्स किया. और अब मैं इसके अंदर, इसके साथ ही ये एक पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो कि मुगलाई कोरमे का ख़ास आंसर है. ये इसके अंदर है बादाम, तकरीबन 8 अदद बादाम है इसके अंदर, 8 अदद मैंने काजू लिए हैं. अच्छा. और इसके साथ ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा है. अच्छा, यानी कि बादाम, काजू और खोपरे का आपने पेस्ट बना लिया. और इसको मैंने दूध में पेस्ट बनाया. अच्छा, दूध का इस्तेमाल किया पेस्ट बनाने के लिए, इससे भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर. अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊंगी कि बाज़ औक़ात हमारे घर में कोई चीज़ नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि उन्होंने तो हमें काजू कहे थे और हमारे पास काजू नहीं है, तो अब हम क्या करें. तो मैं उसका नेमुल बदल ये बताऊँगी कि अगर नहीं है आपके पास काजू, कोई मसला नहीं है, आप पिसा हुआ आप तिल का पेस्ट बना ले, तिल के तिल होते हैं. हाँ हाँ, उनको आपने पेस्ट पाउडर बना लिया. जी जी बिल्कुल, सफेद तिल, उनको आपने 2 टेबल स्पून वो ले लिया आपने, और आपने वो उसके साथ ऐड कर लिया. अरे भाई, कितनी अच्छी टिप बता दी आपने कि अगर आपके पास काजू अवेलेबल नहीं है तो काजू का जो ऑल्टरनेटिव है, आप वो सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून जो है वो यूज़ कर सकते हैं. आपने तो आसानी पैदा कर दी हम सबके लिए भाई. क्योंकि देखिए, इस वक्त सब हमारे व्यूवर्स बजट को भी देखते हैं अपने, जो भी खाना बना रहे होते हैं और दावत कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हर चीज़ एक बजट के हिसाब से चल रही होती है. और नहीं, उसके बाद अलावा कभी कभी होता है कि यानी काजू हर घर में आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं होते. ऑफ सीजन होता है विंटर्स का, तो उसमें जो है वो हर जगह ईजिली घर अवेलेबल नहीं होते घरों में. जी बिल्कुल सही. अब क्या करेंगे जी हम इसमें? अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद चिकन को गलने के लिए ताकि छोड़ेंगे थोड़ा सा बस पानी हमने इसमें ऐड किया. अच्छा, मैं थोड़ा सा पानी ऐड करें इसमें, हाफ अ कप से भी कम है शायद. जी, ना? जी जी, बस सिर्फ इसके मसाले को अच्छी तरीके से, प्याज को जो हमने डाली है और जो बादाम का और काजू खोपरे का पेस्ट डाला है उसको अच्छे, ताकि वो मिक्स हो जाए, और हम इसके फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे. अच्छा, इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल दाना भी आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि कोरमे में दाना आना एक बहुत ज़रूरी होता है, वो प्योर ऑथेंटिक कोरमा होता है, वो चीज़ आपको इसमें मिलेगी मुगलाई कोरमे में. तो अच्छा, अब हम खीर की तरफ आ गए हैं. अब क्या करेंगे? इसके अंदर मैं ये पिसा हुआ खोया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये खोया थोड़ा सॉलिड फॉर्म में था, मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया. जी बिल्कुल, हाथ से मैंने इसको मिक्स करके, अब मैं ये भी 1 कप ही मैंने लिया है, और अब मैं ये 1 कप खोया इस खीर के अंदर, जो कि हमने 1 किलो दूध पहले लिया था उसके हिसाब से है. सही.
दीदी, एक किलो दूध लिया था खीर के लिए, उसमें आपने आधा कप कच्चे चावल लिए, उसको भिगो के फिर आपने डाला, और उसमें आपने एक कप चीनी का इस्तेमाल किया जी, और फिर आपने एक कप जो है उसमें खोया डाला जी, और एक कप मैंने मिल्क पाउडर भी इसमें यूज, एक कप मिल्क पाउडर भी, और वन टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर। अच्छा, वन टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर भी है। सही, जब तक आप इसको कंटिन्यू स्टर कर रही हैं, जब तक हमारी खीर जो है वो बन रही है और मुगलाई कोरमे में भी जो है वो दम लग रहा है, आप ला पी लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है हमारी शाहजहानी खीर और मुगलाई कोरमा, राइट। अच्छा जी, आप जरा शक्ल दिखाएं, उठा के मैं दिखाना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स को, आप ये देखें जनाब मुगलाई कोरमे की क्या खुशबू आई है, आहा, और आप कलर देखें, और खीर भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अच्छा, आपने मुझसे कहा था कि मुगलाई कोरमे में एंड में आप जो है वो आपने एक स्पेशल जो है वो स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स जो है आपने ऐड करने थे, वो क्या है? ये मैंने छोटी इलायची 6 ली और 6 मैंने लौंग ली और जायफल एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, स्मॉल साइज का, छोटा सा एक पीस, समझे 1/4 साइज जो होता है, एक जायफल का बाउल की तरह होता है जायफल, उसका 1/4 वो लिया मैंने, और एक जावित्री का एक स्टिक ले ली, ठीक है। इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया और इसका एक पाउडर बना लिया, और अब मैं इस पाउडर को एक वन पिंच की तरह इसमें ऐड कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अरोमा के लिए, खुशबू के लिए। अच्छा, और ये चाहें आप तो या बना के आप रख भी सकते हैं अगर कंटेनर में, और आप मेरे ख्याल से कुछ और कोरमे या कोई इस तरह के खाने बनाते हैं जी, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है केवड़ा, और इसके हम सिर्फ और सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स, हम ये 1 और 2 ये हमने फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर हमने ऐड किए, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, आपने ये सब ये जो आखिर में जो इंग्रेडिएंट डाला है और केवड़ा डाला है, वो आपने स्टोव बंद करने के बाद जी में बिल्कुल करा है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, अब हमने स्टोव बंद करने के बाद ये दोनों चीज़ों को ऐड किया, और अब हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, अब इसके साथ ही जो हमारी शाहजहानी खीर है उसमें भी हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट्स है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी, वो भी प्योर केवड़े के इसमें एसेंस है, ड्रॉप्स हैं फॉर एसेंस, जब तक हम करते हैं हमारी दोनों रेसिपीज को डिश आउट, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। मुगलाई कोरमा, अज्जा, मुर्गी का गोश्त 1 किलो, तेल 1 कप, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 6 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी छोटा टुकड़ा, तेजपात 1 अदद, जीरा आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 चाय का चम्मच, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1/4 खाने का चम्मच, पिसी लाल प्याज 1 कप, काजू 8 अदद, बादाम 8 अदद, पिसा खोपरा 2 खाने के चम्मच। तरकीब, पैन में तेल, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट इतना पकाएं कि खुशबू आने लगे, फिर इसमें मुर्गी का गोश्त शामिल करके गोश्त को भून लें, और नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, पिसी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और दही डालकर भून लें, फिर इसमें पिसी लाल प्याज, काजू, बादाम, खोपरे का पेस्ट और पानी शामिल करके मुर्गी को गलने के लिए हल्की आंच पर छोड़ दें। शाहजहानी खीर, दूध 1 किलो, चावल 1/2 कप, चीनी 1 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चम्मच, बादाम का पेस्ट 8 अदद, खुश्क दूध 1 कप, खोया 1 कप। तरकीब, पैन में दूध को उबाल लें, उबलने पर इसमें उबले हुए चावल और चीनी शामिल करके पकाएं, फिर इसमें पिसी इलायची, बादाम का पेस्ट और खुश्क दूध डालकर दरमियानी आंच पर पकने दें, फिर इसमें खोया शामिल करें और दरमियानी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं।
आई होप आप लोगों ने रेसिपी जो है वो नोट कर ली होगी और कब आप इसको ट्राई कर रहे हैं अपने घर में और जब भी आप बनाएं और क्या फीडबैक आया आपकी फैमिली का और आपका हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी आपको मिस्टर सुजा कि आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर करी और बहुत ही आप देखें कितनी कलर इसका खूबसूरत सा आया है कौरमे का। वाकई ये देखने में ही लग रहा है कि ये कोई मुगलाई डिशेज हैं दोनों, मुगलाई कौरमा और शाहजहानी खीर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ शो करके, बहुत मज़ा आया। थैंक यू शेफ वर्दा, और मुझे भी बहुत आपका थैंक करना है, थैंकफुल कर हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे बुलाया और मैंने अपनी स्पेशलिटीज आपको। नहीं नहीं थैंक यू सो मच, बल्कि हमें अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है और आप में इतना टैलेंट है और आजकल की हमारी जो ख़वातीन हैं जो घर में जो कह सकते हैं हमारी होम मेकर्स हैं या होम बेस्ड कुकिंग एक्सपर्ट हैं, इतना टैलेंट है माशाल्लाह हमारे पास कि अगर हम उनको बनाएं तो हमें हर बार हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। और ये एक ऐसी चीज़ है सीखने वाली कि ये एंडलेस है, और जितना आप सीखें और जितना इसको फैलाएं दूसरों तक उतना अच्छा लगता है, और ये उतना ही जैसे इल्म में इजाफा होता है इस तरह से जो भी आपके पास एक सीख है आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं तो उसमें भी इजाफा होता है। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। लेते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में कुछ नई मज़ेदार से चटपटी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।